आप नेचर यानी प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे तो बस दिखता है ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर हरियाली, चट्टानों को चीरती हुई बीच से निकलती घुमावदार सड़कें जिस पर आपकी गाड़ी सरपट दौड़ रही हो, और सैकड़ों फिट से गिरता वो झरना कितना रमणीय एहसास दिलाता है, बस सोच के ही मन खुश हो जाता है। और ये सब आपको बिहार में ही मिलेगा, इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऐसे ही एक स्थल को ढूंढ निकाला है अपने लिए और आपके लिए भी, जहां हमें ये सब मिलने वाला है। बिहार सिर्फ बदहाल स्थिति में पाई जाने वाली सड़क, उन्हीं सड़कों पर रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा, नाकाम शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं जानी जाती है। ये सभी तो इंसानों का किया कराया है। कभी बिहार आकर तो देखिए प्रकृति ने बिहार को किन किन अनोखे उपहार से नवाजा है। और इसका सबसे अच्छा और खूबसूरत उदाहरण है रोहतास जिला स्थित तुतला भवानी जलप्रपात। इस स्थान पर जाने के बाद आप बार बार यहीं का सस्ता और सुविधा वाला ट्रिप प्लान करेंगे। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत राहें होती हैं, बस ऐसा ही कुछ होगा तुतला भवानी का सफर। कैमूर की पहाड़ियों का वो नजारा, पहाड़ियों के ऊपर हरी हरी वनस्पतियां, उसके बीच से निकलती घुमावदार सड़कें जो आपके सफर को कई गुना रोमांचक बना देगी। इस सफर पर दिल कहेगा कि बस ये रास्ते खत्म ही ना हो। अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी को देना चाहते हैं थोड़ा सा ब्रेक, तो आइए कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित तुतला भवानी जलप्रपात। आजकल के दौड़ भाग भरी जिंदगी में मानसिक तनाव तो जैसे आम हो गया है, हर दूसरा इंसान इससे ग्रसित मिलता है। और हो भी क्यों ना, जब आपका शरीर परिवर्तन चाहता है और वो आप उसे नहीं दे पाते हैं तो मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होना लाजमी है। लेकिन कुछ तरीके अपना कर आप अपना मानसिक तनाव कम करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यही नहीं इसकी जटिलताओं को भी कम कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोध भी कहती है कि जब आप मानसिक तनाव महसूस करते हैं तो इको टूरिज्म आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। प्रकृति की गोद में जाइए, चट्टानों की शांति को महसूस कीजिए, पेड़ पौधे और वनस्पतियों की हरियालियों और हवाओं से बातें कीजिए, झरनों की झंकार को अपने मन में बस गूंजने दीजिए और खुली हवाओं को बस अपने अंदर जगह दीजिए। बिहार स्थित तुतला भवानी वाटरफॉल आपको कुछ ऐसा ही एहसास कराएगा। इस स्थल का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी बहुत है। बिहार में पर्यटकों के लिए तुतला भवानी धाम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर रोज सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ पिकनिक मनाने के लिए भी लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए वाटरफॉल और झूला ब्रिज आकर्षण का केंद्र है। वाटरफॉल के नज़दीक जाने पर आपको तुतला भवानी मंदिर मिलेगा। यहाँ मिले शिलालेखों से पता चलता है कि 1158 ईस्वी में खड़वाड़ के राजा प्रताप धवल देव ने माँ तुतला भवानी की प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। उन्होंने इस बाबत शिलालेख भी लिखवाया था। इस जगह पर पहले से स्थापित प्राचीन प्रतिमा टूटने की वजह से मां महिषासुर मर्दिनी की नई प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। राजा प्रताप धवल देव द्वारा लिखाए शिलालेख में प्रतिमा को मां जगद्धात्री दुर्गा लिखा गया है। रोहतास के बुजुर्गों की माने तो शोन तटस्था शक्तिपीठ देवी के 51 पीठों में एक तुतला भवानी धाम भी है। सोन तट पर विराजमान देवी को सोनाक्षी और शिव को भद्रसेन की संज्ञा दी गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ सती का दक्षिणी नितंब गिरा था, जिसे अब लोग तुतला भवानी के नाम से जानते हैं। यहाँ की पहाड़ियों के करीब से पहले सोन नदी बहती थी, लेकिन अब यहाँ से 4 किलोमीटर पहले सोन नदी बहती है। पहाड़ों में स्थित माँ सोनाक्षी जगद्धात्री दुर्गा के ऊपर से ही पानी का झरना गिरता है। यहाँ आप रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के नेशनल हाईवे 2 से ताराचंडी चुलौथू मेन रोड से जो सेवही गांव के पास से होते हुए तुतला भवानी तक जाने के लिए सड़क बनाई गई है। इसके अलावा डेहरी अकबरपुर स्टेट हाईवे 119 पर भी एक सड़क है जो तिलौथू प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर पश्चिम तुतला भवानी तक जाती है। इन दो रास्तों से आप तुतला भवानी बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। आप हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ कि आप कब पहुँच रहे हैं यहाँ पर। अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।